So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So, last class हमने पढ़ा था pH of a mixture of weak acids, और उसके basis पे हमने question भी किया था, ठीक है? आज जो है, today we will start the next thing. एसिड बेस टाइट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट. आयनिक में ही एसिड बेस टाइट्रेशन. एसिड बेस टाइट्रेशन समझ गया राइट. तो यहां पे एसिड बेस टाइट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, सपोज करो, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ बीकर एंड कैसा है. ये बीकर है, सपोज करो इसमें जो है, अभी बस ये इस इन जनरल बता रहे, इसमें क्या है, एसिड भरा हुआ है. दिस इज अ बीकर, ये जो है दिस इज अ बीकर, बात समझे क्या? ये बीकर राइट. फिर इसमें जो है हमने दिस इज अ ब्यूरेट, इसका नाम है ब्यूरेट, समझे क्या राइट. अच्छा, एंड इसमें जो है बेस इज फिल्ड, ब्यूरेट के अंदर क्या भरा है, बेस फिल्ड इनसाइड द ब्यूरेट, समझे क्या? बेस इज फिल्ड इनसाइड द ब्यूरेट, बात समझे क्या राइट. एंड यहां पे ऐसा, ठीक है? तो ओवर हियर देयर इज अ, इसको मैं यहां पे ऐसे दिखा देता हूं कि देयर इज अ नॉब, जिसको एक बार टर्न किया जाएगा तो बेस जो है वो ड्रिप होना स्टार्ट हो जाएगा एसिड में. बेस विल स्टार्ट ड्रिपिंग इनटू द एसिड राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूरेट में जो है यहां पे ऐसे मार्किंग्स होते हैं विच टेल अस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ बेस विच इज लेफ्ट, ठीक है? तो सपोज करो दिस इज वी इनिशियल, फिर हमने क्या किया, हमने नॉब को ओपन किया, हमने नॉब को ओपन किया तो बेस क्या हो रहा है, बेस ऐसा ड्रिप होना स्टार्ट हो रहा है. फिर कुछ देर बाद हमने नॉब को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. जब हमने नॉब को क्लोज कर दिया तो
इसका वॉल्यूम जो है सपोज करो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी फाइनल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड, पहले चीज़ों को देख लो, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, समझे क्या, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, या फिर सीधे सीधे वी इनिशियल, चलो ऐसे कर देते, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, और मॉड्यूलस लगा देते हैं, जैसा भी होगा फाइनल वैल्यू, मतलब इसमें ऐसा मार्किंग्स होते हैं, समझे क्या। तो ये ऐसा है, ठीक है। एंड इसका वॉल्यूम कितना है, एसिड का वॉल्यूम कितना है, वी एसिड, समझ गया, राइट। फिर एक बार जब बेस आ गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, वॉल्यूम ऑफ एसिड विच वॉज प्रेजेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस विच हैज ड्रिप डाउन, समझे क्या, वॉल्यूम ऑफ बेस जो हमने ऐड कर दिया है, राइट। दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस उसके बाद कुछ वाटर वाटर ऐड किया तो वो भी ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन हम लोग लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, केस वन जो हम लोग लेंगे, केस वन टाइट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता दो, इन एसिड बेस टाइट्रेशन इन एसिड बेस टाइट्रेशन एच प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस, बात समझे क्या, पहली बात, ठीक है। H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज गिवन बाय नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड, H प्लस फ्रॉम एसिड इज गिवन बाय नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, राइट। एंड OH माइनस फ्रॉम बेस इज गिवन बाय नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस विच इज यूज्ड, बात समझे क्या, करेंगे ना, राइट। नाउ टू केसेस अराइज, टू केसेस अराइज, दिस इज एक्टिव मास, ये मैंने लिखा है H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय OH माइनस कमिंग फ्रॉम बेस, कंसेंट्रेशन ही लिखा है, यहां पे लिखा मैंने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज गिवन बाय नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस
कमिंग फ्रॉम बेस इज गिवन बाय नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, टू केसेस अराइज। पहला, फर्स्ट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एच प्लस आर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ओ एच माइनस। समझ गया, दैट मीन्स नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ऐसे निकालते ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड। समझे क्या, केस ऑफ कंप्लीट यूटिलाइजेशन, राइट। एंड सेकेंड जो है वी विल हैव इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इस केस में वी हैव इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा वेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओएच माइनस, मतलब नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी ऑफ बेस। समझे क्या, एंड इन दैट केस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। समझे क्या, सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड, एकदम सिंपल टर्म से बता रहा हूं। समझे क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो क्या दिया जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड दैट विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म अपॉन कितना, वी फाइनल। ठीक है, स्टोकियोमेट्री से मोल ऑफ सॉल्ट हम निकाल लेंगे, वी फाइनल कितना हो जाएगा, V final will be given by how much? V final will be given by volume of acid it will be kitna? Volume of acid plus volume of base plus volume of water agar add kiya hai if any that will be what v final। समझे क्या, in case of complete neutralization gram equivalent of H plus will be equal to gram equivalent of OH minus, normality of acid will be equal to normality of base, salt and water is formed। समझे क्या, in that case इसको लिखने से पहले, हाँ चलो ठीक है, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट अपॉन कितना, वी फाइनल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट विल बी आइदर इक्वल टू normality of acid into volume of acid will also be equal to normality of base into volume of base, ठीक है, gram equivalent of salt which is formed, this is what
दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड. बात समझे क्या? नॉर्मेलिटी आ जाएगा, फिर हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे मोलारिटी, राइट, इन केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. पहला केस है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है, राइट. दूसरा टू केसेस अराइज. सेकेंड केस वील हैव फॉर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस. इसमें होगा हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस. बात समझे क्या? राइट. तो यहां पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब कहा जाएगा? व्हेन ग्राम इक्विवेलेंस, जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज नॉट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस. समझे क्या? एच प्लस का ग्राम इक्विवेलेंट इज नॉट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है. दैट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस मतलब क्या? नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज नॉट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस मतलब क्या? नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस विच इज यूज्ड, राइट. तो यहां से अपने पास जो है, यहां से अपने पास टू केसेस विल अराइज. अगेन टू केसेस विल अराइज. यहां पे अपने पास इस तरह से, समझे क्या? पहला केस जो है वो क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एच प्लस. फर्स्ट केस इज व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस. समझे क्या? मतलब क्या? When gram equivalent of H plus is more than gram equivalent of OH minus, इस केस में मतलब क्या? Normality of acid into volume of acid is more than normality of base normality of acid into volume of acid is more than normality of base into volume of base. समझे क्या? And second case क्या हो सकता है? When gram equivalent of H plus is less than gram equivalents of OH minus. मतलब क्या हो गया? Normality of acid into volume of acid is less than नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है. अब इसके आगे क्या होगा वो हम लोग ऐसा केसेस में देखते हैं, केसेस बनाएंगे और उसके बाद अलग अलग हम लोग देखते हैं, ठीक है. चलो एक चीज हम लोग और ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा. तो इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओएच माइनस, समझे क्या? राइट. तो इस वाले केस में जैसा यहां पे मैंने लिखा, ये रहा H प्लस, ये रहा OH माइनस, समझे क्या? और ये क्या फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया वाटर.
राइट, ठीक है, एच प्लस एच ए प्लस बेस बी ओ एच, ये क्या फॉर्म करेगा, बी ए प्लस, इसको थोड़ा इधर से लिखता हूं, ये आया एच ए, ये आया बी ए, क्या फॉर्म करेगा, बी ओ एच, एच ए क्या आया एसिड है, बी ओ एच क्या है बेस है, क्या फॉर्म करेगा, बी ए सॉल्ट प्लस क्या, वाटर, दिस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस क्या चीज, वाटर, ठीक है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने, इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट, एन ए वी ए, इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट, एन बी वी बी। अभी सिचुएशन क्या बताई जा रही है कि एन ए वी ए इज मोर देन एन बी वी बी, ठीक है, तो दोनों में एल आर क्या हो गया, दोनों में एल आर क्या हो गया, दोनों में एल आर हो गया बेस, और बेस कितना बचेगा, जीरो बचेगा, यहां से कितना माइनस होगा, माइनस एन बी वी बी, और ये कितना बच जाएगा ग्राम इक्विवेलेंस के हिसाब से, कितना एन ए वी ए माइनस कितना, कितना एन बी वी बी, समझे क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट, न्यूट्रलाइजेशन में ये होता है ना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दिखाया हुआ है ना ये, समझे क्या, और यहां पे बेस बिल्कुल नहीं है, समझे क्या, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, जितना बेस कंज्यूम हुआ उतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट बन जाएगा, कितना एन बी वी बी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, दिस इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड, ठीक है, राइट। सेकेंड थिंग, इसको हमें थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, सेकेंड थिंग इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में, अभी मैं एकदम इन जनरल बता रहा हूं, समझे क्या, इन जनरली अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो यहां पे इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज लेस देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस, एच प्लस कहां से आता है, एसिड से आता है ना, और ओ एच माइनस कहां से आता है, बेस से आता है, तो इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज लेस देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मतलब क्या, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज लेस देन नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, तो यहां पे किस तरह से होगा, यहां पे एसिड एच ए प्लस बेस बी ओ एच, दिस विल गिव क्या, सॉल्ट बी ए प्लस कितना, वाटर, बी ओ एच, दिस विल गिव सॉल्ट बी ए प्लस क्या, वाटर, बात समझ गया, राइट। तो यहां पे इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, एन ए वी ए, इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, एन बी वी बी, तो हुआ क्या है, एन ए वी ए इज लेस देन एन बी वी बी, तो फिर यहां पे एल आर क्या हो गया, एल आर हो गया यहां पे एसिड, तो माइनस एन ए वी ए, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस विल यूज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस, समझे क्या, तो ये कितना बचेगा, जीरो बचेगा, राइट, और यहां से कितना यूज होगा, माइनस कितना, एन ए वी ए, कितना बचा, एन बी वी बी माइनस एन ए
वी ए, ठीक है। और ये नहीं था, ये कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय वॉट, एल आर ना। सो कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म विल बी इक्वल टू कितना, एन ए वी ए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म विल बी इक्वल टू कितना, एन ए वी ए। सो दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस विच इज लेफ्ट, समझे क्या, एंड दिस इज वॉट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड। बात समझे क्या, दो केसेस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, समझे, गॉट इट, ऐसा, ठीक। चलो अब हम लोग स्पेसिफिक केसेस में आते हैं, नाउ लेट अस मूव ऑन टू, तो ये था कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, अभी मैं ये बता दूं कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एच प्लस, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एच प्लस विच आर इक्वल टू, ये जो हेडिंग डाली ना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, उसमें बता रहा हूं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस विच इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, आर न्यूट्रलाइज बाय, आर न्यूट्रलाइज बाय वॉट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ओ एच माइनस, एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस विच इज इक्वल टू कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसके सामने ये लिखोगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में होता क्या है, समझे क्या, उसके बाद जो है ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बाद इसको लिखना स्टार्ट करना, ठीक है, ऐसा, राइट। नाउ अब हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में पहले केस की बात करते हैं, केस वन, एसिड बेस टाइट्रेशन में केस वन, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ऐसे वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब क्या, एस बी, स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये ऐसा है, बात समझे क्या, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं, वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस, वी फाइंड टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस, सबसे पहला काम जो हम लोग इसमें करते हैं, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस मतलब क्या, एन ए, मतलब सपोज करो वी हैव, इसमें जो है वी हैव एसिड वन, सपोज कर लेते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड्स, अगर मैं ले लूं, अगर मैं यहां पे मिक्सचर ऑफ एसिड्स अज्यूम कर लूं कि सपोज करो एच ए नॉर्मैलिटी एन वन वॉल्यूम वी वन एंड एच ए डैश नॉर्मैलिटी एन टू
वॉल्यूम वी टू, समझे क्या? ये क्या है, ये इसको जो है सिंपल तरीके से बताता हूं। तो हमने क्या केस लिया, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ही पहले लिख देता हूं, कैलकुलेट टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस फ्रॉम ऑल एसिड्स, दैट मीन्स व्हाट, समेशन ऑफ नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड्स। मतलब क्या, समेशन नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड्स इनटू कितना, वॉल्यूम ऑफ एसिड्स, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या, कैलकुलेट व्हाट, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस फ्रॉम ऑल बेसिस, फ्रॉम ऑल बेसिस विच आर प्रेजेंट, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कितना, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस, दैट मीन्स समेशन व्हाट, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, समझ गया पहला, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें क्या बता रहे, इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, देन देयर इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कितना, OH माइनस, इन दैट केस देयर इज व्हाट, देयर इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, एंड सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन इज न्यूट्रल, फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। किस केस में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग बेस और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब, इफ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, एंड देयर विल बी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, समझे क्या, एंड pH will be equal to pOH is equal to कितना, half pKW, and this can be equal to 7 at कितना 298 Kelvin, समझे क्या, right, and if gram equivalent of H plus is not equal to gram equivalent of OH minus, तो जैसा हमने देखा यहां से हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हमने लिया ना समेशन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस फ्रॉम ऑल द एसिड्स, ये जो लिया है दिस इज इक्वल टू कितना, समेशन नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू कर देते हैं कितना, एन वन वी वन, ठीक है, राइट। मतलब ऐसे हमने लिया है एन वन वी वन, राइट, या फिर इसको हम लोग ले लेते हैं कितना ए, ठीक है, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस टोटल इन द सॉल्यूशन कितना, समेशन नॉर्मलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, इसको हम लोग ले लेते हैं कितना बी, समझे क्या। तो सेकंड केस, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, इफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज नॉट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओएच माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आइदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओएच माइनस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओएच माइनस, समझे क्या? मतलब क्या? मतलब ए इज मोर देन बी। इफ ए इज मोर देन बी तो पहली बात सॉल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक, समझे क्या? एंड इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस इज लेस देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ओएच माइनस, मतलब क्या? ए इज लेस देन बी मतलब सॉल्यूशन विल बी एल्कलाइन, समझे क्या? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, किस तरह से निकाला जाएगा पीएच वगैरह? जैसे वी हैव एच प्लस प्लस ओ एच माइनस गिव्स व्हाट? वाटर। जैसा भी मैंने बताया एच प्लस कितना ग्राम इक्विवेलेंट, ए ग्राम इक्विवेलेंट, ओ एच माइनस कितना ग्राम इक्विवेलेंट, बी ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है? ए इज मोर देन बी तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस क्या हो गया, एल आर हो गया, ये खत्म हो जाएगा, माइनस बी ये कितना आ गया, ए माइनस बी, समझे क्या? तो यहां से क्या है ये ए माइनस बी क्या है, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस विच इज लेफ्ट विच इज इक्वल टू कितना, ए माइनस बी, ठीक है? तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एच प्लस, सॉल्यूशन क्योंकि एसिडिक है ना, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एच प्लस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस अपॉन V फाइनल, समझे क्या? कितना हो गया ये, A माइनस बी अपॉन V फाइनल, बात समझे क्या? राइट, दिस इज एच प्लस ऑफ मिक्सचर, एंड इफ दिस एच प्लस ऑफ मिक्सचर कैन बी मोर देन एच प्लस ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, एच प्लस ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, एच प्लस ऑफ मिक्सचर प्लस एच प्लस फ्रॉम वाटर, ठीक है? एंड देन सीधे सीधे पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से इन केस ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो एच प्लस ऑफ मिक्सचर निकाला है दिस कैन बी मोर देन और लेस देन 10 की पावर माइनस 6, ठीक है? उसी तरह से If gram equivalent of H plus is less than gram equivalent of OH minus, मतलब क्या? H plus plus OH minus, this gives what? Water, समझे क्या? इसका कितना gram equivalent है A, इसका कितना gram equivalent है B, समझे क्या? A is less than B, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये माइनस A, कितना बचा? B माइनस A, B माइनस A क्या है? B माइनस A is gram equivalent of what? OH माइनस, ठीक है? सो इस केस में ये, इस केस में क्या बताएंगे अपन? OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर विच इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन लेफ्ट, दिस इज OH माइनस आयन लेफ्ट अपॉन कितना, V फाइनल, समझे क्या? एंड दिस थिंग कैन बी मोर देन और लेस देन 10 की पावर माइनस 6, ठीक है? एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर लेंगे, OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, OH माइनस आयन इन द मिक्सचर प्लस OH माइनस आयन प्लस कितना, प्लस OH माइनस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, एंड देन सीधे सीधे POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस इन द सॉल्यूशन, and then we can even find out pH is equal to kitna pKw minus pOH, baat samjhe kya? Right, is tarah se hum log strong acid versus strong base ka kaam ko kiya jayega, baat samjhe kya? Right,
स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, राइट। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं, पहले बुकलेट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं कराऊंगा। यहां पे पहले हम लोग बुकलेट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें जो है वही था, तो इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 8 फर्स्ट। सबसे पहले बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। अभी इसका थ्योरी डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग गया, मैं कंसेप्ट बता रहा था। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, इसमें एक लाइन में किया है, मगर अभी मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे किया है इसको, ठीक है। बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। हाँ देखो अभी क्या कह रहे हैं, फाइंड द पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ 400 ml ऑफ 1/200 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 400 ml ऑफ 1/50 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, BaOH twice, कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। दिस इज वॉट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, राइट। एंड क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने ऑलरेडी बताया। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 के सारे बेसिस, और उसके बाद क्या ग्रुप 2 में बेरियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl कैसा है, HCl कैसा है, HCl इज ऑल्सो अ वॉट, स्ट्रॉन्ग एसिड, समझे क्या, राइट। ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में वी हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक। तो अगर हम बात करें, मतलब हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस, सीधे सीधे लिख देते हैं अगर, चलो ठीक है, ये कितना दिया गया हमें, ये हमें दिया गया 1/200 मोलर, 1/200 मोलर कॉमा, कितना वॉल्यूम लिया हमने, 400 ml लिया, ठीक है। क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन है ना, बिकॉज इट इज अ, क्योंकि ये जो है एक एसिड बेस रिएक्शन है, बात समझेगा। तो अगर हम लोग पहले एकदम सिंपल टर्म से बात करते हैं, एकदम सिंपल टर्म से बात करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, डाई एसिडिक बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ डाई एसिडिक बेस। तो एन फैक्टर कितना ले सकते हैं हम लोग, एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, समझे क्या। बेसिकली चलो हम ऐसा कंसेप्ट वाइज हम बात करेंगे, जैसा एग्जैक्टली होता है, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। ये क्या है हमारे पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 400 ml वॉल्यूम है, 400 ml वॉल्यूम है, और कितना है, 1/200 मोलर है, ठीक है, राइट। ये क्या है,
ये है डाई एसिडिक बेस। बात को सुनना ध्यान से, ये क्या है? डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस मतलब क्या हो गया? इट हैज टू रिप्लेसेबल व्हाट OH माइनस आयंस। बात को एकदम ध्यान से सुनना, इट हैज गॉट टू रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, क्योंकि डाई एसिडिक बेस है, इट विल डिसोसिएट इन टू स्टेप्स। इट विल डिसोसिएट इन टू स्टेप्स, ये चीज मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है? एंड उसके बाद हमारे पास क्या है? बात को सुनना एकदम ध्यान से। इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है HCl, ठीक है? HCl कितना दिया गया है? HCl हमें दिया गया है कितना? 400 ml 1 by 50 molar, ठीक है? 400 ml 1 by 50 molar, राइट? ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से होगा। एसिड बेस रिएक्शन देखना जरा, हाउ विल द एसिड बेस रिएक्शन अकर? क्योंकि हमारे पास डाई एसिडिक बेस है ना, पहले स्टेप वाइज बता देता हूं, फिर एकदम से बता दूंगा कि शॉर्टकट में भी कैसे किया जाएगा। ये हमारे पास क्या डाई एसिडिक बेस, मतलब दो रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है, तो ये दो स्टेप में डिसोसिएट करेगा। बात को सुनना ध्यान से, तो स्टेप वन ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, स्टेप वन ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? BaOH, एक OH माइनस निकल गया, तो क्या बचा? प्लस, प्लस क्या? OH माइनस, समझे क्या? एंड HCl विल गिव व्हाट? Cl माइनस प्लस क्या? H प्लस। तो बेसिकली स्टेप वन में क्या हो रहा है? स्टेप वन में बेसिकली क्या है? BaOH होल टूआइस प्लस HCl गिव्स व्हाट? Ba OH Cl, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, समझे क्या? प्लस कितना? ये H प्लस OH माइनस क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, ठीक है? अभी तुम यहां पे देखो, फर्स्ट स्टेप में वन मॉलिक्यूल ऑफ BaOH होल टूआइस इज गिविंग ओनली कितना? इट इज गिविंग ओनली हाउ मच? वन मोल ऑफ OH माइनस ना, मतलब यहां पे इस वाले स्टेप में n फैक्टर ऑफ BaOH होल टूआइस कितना है? वन है, समझे क्या? राइट, तो इस वाले स्टेप में अगर देखा जाए, इस वाले स्टेप में देखा जाए, यहां से कितने ग्राम इक्विवेलेंट है इसके? कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए? नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, समझे क्या? इसका नॉर्मैलिटी कितना हो जाएगा? एन फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू कितना? वॉल्यूम ऑफ बेस। क्योंकि अभी हमने बस पहला स्टेप लिखा है, पहले स्टेप में वन मोल ऑफ BaOH होल टूआइस इज गिविंग ओनली कितना? वन मोल ऑफ OH माइनस, तो एन फैक्टर कितना आएगा? एन फैक्टर तो वन ही आएगा ना, समझे क्या? तो एन फैक्टर कितना पड़ेगा? वन पड़ेगा, इनटू यहां पे मोलारिटी कितना है? मोलारिटी कितना है? मोलारिटी है 1/200। मोलारिटी कितना है? मोलारिटी है 1/200, समझे क्या? इनटू वॉल्यूम कितना है? 400 ml, ठीक है? तो वॉल्यूम क्योंकि ml में है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इनटू डिवाइडेड बाय कितना? 1000 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 mg इक्विवेलेंस, समझे क्या? उसी तरह से HCl का हम लोग, इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूं तभी समझ में आएगा, उसी तरह से प्लस क्या यहां पे लिखता हूं HCl, और ये क्या देगा? ये देगा BaOH Cl प्लस क्या? वाटर, समझे क्या? HCl का कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया? नॉर्मैलिटी
ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, एन फैक्टर तो बनी है, मतलब नॉर्मैलिटी इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। एचसीएल में पता है एन फैक्टर तो बनी होता है, इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड, मोलारिटी ऑफ एसिड कितना दिया गया एचसीएल का, एचसीएल का दिया गया 1/50, समझे क्या, ये दिया गया कितना 1/50 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम इज गिवन एज कितना 400 ml, ये कितना हो गया 400 ml/1000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 51 टाइम्स एंड 58 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 8 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, समझे क्या। तो बेसिकली देखा जाए हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है और HCl कितना 8 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, तो बेसिकली इस वाले केस में क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम, यहां पे क्या हुआ है देखो ना, यहां पे क्या हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हैज यूज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो यहां पे LR क्या है, LR हो गया ये, तो खत्म क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया -2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा 0, यहां से कितना यूज हो जाएगा -2, कितना बचेगा 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये क्या है BaOHCl, ये क्या है, ये है BaOHCl प्लस कितना वाटर, समझे क्या, ये कितना आएगा, अभी बताया ना कि जो LR होता है उतना सॉल्ट फॉर्म होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाउ मच, ये आ जाएगा कितना 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, वी हैव 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट एंड वी हैव 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaOHCl, अभी इसके पास क्या है एक रिप्लेसेबल OH- है ना, समझे क्या। तो अभी क्या होगा स्टेप टू में आएगा, अभी आएगा किधर, ये आएगा स्टेप टू में, स्टेप टू में कैसे डिसोसिएट करेगा BaOHCl, ये यहां पे क्या है दिस इज अ बेस, ठीक है। हाउ विल इट डिसोसिएट, दिस विल डिसोसिएट एज व्हाट, दिस विल डिसोसिएट एज BaCl प्लस प्लस कितना OH माइनस, बेस है ना, मैंने बताया था दो स्टेप पे डिसोसिएट करेगा। और फिर अच्छा अब सुनो जरा, ये अगला स्टेप कब होगा, ये अगला स्टेप तभी होगा, मतलब क्या, ये जो हमारे पास सॉल्ट आया है, दिस इज व्हाट बेसिक सॉल्ट, क्यों इट इज अ बेसिक सॉल्ट, बिकॉज इट हैज वन रिप्लेसेबल व्हाट OH माइनस, ठीक है। स्टेप टू इसमें बता दूं, स्टेप टू विल अकर ओनली इफ एसिड इज लेफ्ट टू न्यूट्रलाइज रिमेनिंग बेस, समझे क्या। यहां पे देखो एसिड बचा है ना, कितना एसिड बचा है 6 ग्राम मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बचा है, और ये कितना है 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसके पास क्या है एक रिप्लेसेबल OH माइनस, मतलब क्या है ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि एसिड बचा है इस वजह से ये अगले स्टेप पे न्यूट्रलाइज होगा, समझे क्या, राइट। तो स्टेप टू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस बेसिक सॉल्ट विल अकर ओनली इफ एसिड इज लेफ्ट, क्योंकि एसिड बचा हुआ है, अगर एसिड ना बचा होता तो स्टेप टू ना होता, क्योंकि एसिड बचा हुआ है तो ये किस तरह से आएगा BaOHCl gives BaCl plus plus OH minus, और एसिड बचा हुआ है ना, ये क्या देगा Cl minus plus क्या H plus, समझे क्या। तो यहां पे ऐसा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, अब देखो जरा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास BaOHCl प्लस कितना, यहां से लिखो HCl, दिस विल गिव व्हाट BaCl प्लस प्लस Cl माइनस, ये क्या दे देगा, ये दे देगा BaCl2 प्लस कितना OH माइनस और H प्लस, कितना आ जाएगा H2O, समझे क्या। तो ये क्या हो गया, इसका कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट था, दिस वाज 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एंड दिस वाज कितना 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, समझे क्या। दोनों में LR क्या है, बेसिक सॉल्ट LR है,
माइनस टू, ये कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना हो गया माइनस टू, कितना बचा 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज लेफ्ट, समझे क्या? राइट, ये कितना आ गया 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास एसिड जो है बच गया ना, कितना बच गया 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बच गया, राइट। तो सिंस फाइनल मिक्सचर हैज 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl left, therefore gram equivalent of H plus कितना बचा है 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बचा है, ठीक है। V final कितना है, volume of base plus volume of acid plus volume of water that is added, volume of base कितना है 400 ml, volume of acid कितना था 400 ml, volume of water कितना add किया 200 ml, कितना हो गया ये 1000 ml, ठीक है। तो इसके हिसाब से व्हाट इज द एच प्लस आयन इन द मिक्सचर, दिस इज इक्वल टू कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस लेफ्ट अपॉन कितना वी फाइनल, ठीक है। ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट बचा है हमारे पास, 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बचा है ना, इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, वॉल्यूम कितना 1 लीटर ना, अपॉन कितना 1 लीटर, दिस इज कितना, दिस इज एच प्लस इन द मिक्सचर, दिस इज मोर देन 10 की पावर माइनस 6, समझे क्या, बिकॉज एच प्लस इन द मिक्सचर इज मोर देन 10 पावर माइनस 6, देयरफॉर व्हाट इज द एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन कितना हो गया एच प्लस इन द मिक्सचर विच इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, समझे क्या। तो पीएच कितना हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस ऑफ सॉल्यूशन विच इज कितना 3 माइनस लॉग टू द बेस 10 4, मतलब कितना 3 माइनस 0.6 विच इज 2.4। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्ट तरीका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जैक्ट तरीका बताया, ठीक है। अभी इसका एक आसान तरीका बताता हूं, लेट अस मैच द आंसर फर्स्ट, 2.4 आ रहा है, पीएच इज इक्वल टू 2.4, ये तो था एकदम एग्जैक्ट तरीका कि एक्चुअली क्या होता है, ऐसा ही करना है। अगर हमारे पास क्या है, अभी मैं डाई बेसिक एसिड वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है, क्या हमें दिया गया था बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो कि क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का हमें क्वांटिटी कितना दिया गया था, यह दिया गया था 400 ml 1/200 मोलर, हमें पता है डाई एसिडिक बेस है, इसके पास दो रिप्लेसेबल OH- आयन होते हैं, दो स्टेप में डिसोसिएट करता है। HCl दिया गया था इतना वॉल्यूम और इतना मोलारिटी, ठीक है, राइट। और दिस वी नो दैट इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, स्टेप वन बेरियम हाइड्रोक्साइड दो स्टेप में डिसोसिएट करेगा, तो पहले स्टेप में क्या होगा, बस एक ही OH- को वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड स्टेप वन, पहले स्टेप में BaOH होल्ड टू OH क्या दे रहा है, BaOH प्लस प्लस OH-, क्योंकि इस स्टेप में वन मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज गिविंग ओनली वन मोल ऑफ OH-, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से इसका एन फैक्टर क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहां पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहां पे इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर आ जाएगा, सॉरी 1, एन फैक्टर कितना लेंगे 1 लेंगे, बिकॉज इस वाले स्टेप में 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज डिसोसिएटिंग टू गिव ओनली 1 मोल ऑफ OH-, समझे क्या। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एंड देन एज यूजुअल HCl विल गिव कितना H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड ये HCl विल गिव व्हाट BaOH प्लस प्लस Cl माइनस, तो सॉल्ट बन जाएगा क्या BaOHCl, ये जो है दिस इज बेसिक सॉल्ट, ये जो सॉल्ट आया है दिस इज बेसिक सॉल्ट, क्यों बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैज 1 रिप्लेसेबल OH माइनस, दैट इज वाई इट इज अ बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर देखा जाए बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, एसिड बेस रिएक्शन मैंने ऐसे ही देखा, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का कंपेयर करते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, नॉर्मलिटी कितना एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। हम इस वाले रिएक्शन की बात करें, इस वाले रिएक्शन में एन फैक्टर कितना हो गया, इसका 1 हो गया, एक स्टेप में एक ही OH- देगा ना, एक बार में एक ही OH- देता है ना, तो 1 इंटू 1 अपॉन 200 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस कितना 400 ml, मतलब 400 बाय कितना 1000,
ठीक है। सो कितना हो गया, ये हो गया 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, समझे क्या। उसी तरह से हमने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाल लिया, कितना n फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, n फैक्टर 1 है, मोलारिटी वॉल्यूम कितना आ गया 8 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गया। तो हमारे पास पहले स्टेप में 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है और 8 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, एसिड है। तो दोनों में LR क्या है, बेस LR है, तो ये खत्म हो गया पूरा। और एसिड कितना यूज होगा, 8 में से 2 यूज हो जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। और सॉल्ट जो है, बेसिक सॉल्ट जो है कितना फॉर्म होगा, LR जितना कंज्यूम हुआ है उतना सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, कितना 2 मिलीग्राम सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब मैंने क्या बताया कि ये जो बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट नेक्स्ट स्टेप में तभी डिसोसिएट करेगा अगर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड बचा है। अगर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड नहीं बचा है तो फिर ये बेसिक सॉल्ट जो है डिसोसिएट नहीं करेगा, समझे क्या, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यहां पे बचा हुआ था, इस वजह से स्टेप टू में आएगा। और ये क्या हो जाएगा, BaOHCl स्टेप टू में कैसे जाएगा, ये अपना बचा हुआ OH- को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या देगा, OH- प्लस BaCl प्लस, और HCl क्या करेगा, Cl- प्लस कितना, H+। तो OH- और H+ क्या दे देगा, H2O दे देगा, समझे क्या। उसके बाद क्या, BaCl प्लस प्लस Cl प्लस क्या दे देगा, ये दे देगा BaCl2, समझे क्या। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, BaOHCl प्लस HCl गिव्स व्हाट, फाइनल सॉल्ट एंड दिस व्हाट, फाइनल वाटर, बात समझे क्या। ये कितना था, 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, LR ये हो गया, तो ये खत्म हो गया, 0 बचा, ये 6 में से 2 यूज हुआ, कितना बचा 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्ट कितना बचा 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, क्या बताया, फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट, क्योंकि इसके पास 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ कितना हो गया, 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया। फाइनल वॉल्यूम हमने निकाल लिया 1 लीटर, तो H+ इन द मिक्सचर निकाल लिया हमने, कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया कंसेंट्रेशन मोर देन 10^-6, एंड इसके बाद हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, पीएच का कैलकुलेशन कर दिया, बात समझे क्या। ये एक तरीका था जो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप गए थे, ठीक है। सेकेंड तरीका जो है सबसे आसान तरीका है, मगर मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा मेडिकल के लिए, जो मैं सेकेंड तरीका बता रहा हूं उसको देख लो, मेडिकल के लिए वो सेकेंड तरीके से कर सकते हो, नीट के एग्जाम में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मगर जो एडवांस वाले लोग हैं उनको जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, स्पेशली ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन बताया, एडवांस वाले लोग इस पे ज्यादा फोकस करें। मेडिकल के लिए ये वाला तरीका इंपॉर्टेंट है, मगर अभी मैं दूसरा एकदम नया तरीका, नया नहीं जो अभी जो हमने डिस्कशन किया, आसान तरीका बता सकता हूं, मेडिकल में वो आसान तरीका चल सकता है, मगर एडवांस के लिए ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है इस कंसेप्ट पे ध्यान दे दो, बात समझे क्या, एडवांस के लिए, ठीक है। नीट के लिए ये तरीका चलेगा, बट ये तरीका थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, तो नीट के लिए हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, क्या सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं, क्या है हमारे पास, BaOH होल ट्वाइस, नीट के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड BaOH होल ट्वाइस, सीधे सीधे बोल सकते हैं एन फैक्टर कितना है, 2 है, समझे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना हो गया, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, मतलब एन फैक्टर इंटू कितना, फॉर नीट सीधे सीधे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, BaOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl डायरेक्टली गिव्स व्हाट, BaCl2 प्लस कितना 2H2O, नीट के लिए डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज गिविंग व्हाट, एन फैक्टर इसका कितना, डायस्टिक बेस है 2, यहां पे इसका एन फैक्टर कितना 1। अच्छा एक सेकेंड, ये जो हमने काम किया सेकेंड वाले रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना होगा, सेकेंड वाले रिएक्शन में भी इसका एन फैक्टर 1 होगा ना, बिकॉज 1 मोल ऑफ BaOHCl इज गिविंग ओनली कितना 1 मोल ऑफ OH माइनस। तो ये जो मैंने बताया एडवांस के लिए थोड़ा ध्यान से देख लो, नीट के लिए आसान तरीका है, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, तो जितना आता है उतना बता देता हूं नीट के लिए। तो ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl, सीधे सीधे ले लो इसका, इसका एन फैक्टर कितना लेने का, इसका एन फैक्टर लेने का 2, जैसा मैं बताया डायस्टिक बेस ना, इसका एन फैक्टर लेने का 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहां से हम लोग सीधे सीधे कर लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, नॉर्मैलिटी ऑफ बेस कितना 2, मतलब एन फैक्टर, क्योंकि मोलारिटी भी है ना,
एन फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ बेस, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस. एन फैक्टर कितना है? 2 है. मोलारिटी ऑफ बेस कितना है? मोलारिटी ऑफ बेस इज हाउ मच? मोलारिटी ऑफ बेस इज कितना दिया गया है? 1/200. 1/200 इंटू कितना? 400 ml, मतलब 400/1000 लीटर्स. ठीक है, तो दिस बिकम्स हाउ मच? 800/200 कितना हो गया? 4 mg इक्विवेलेंट. समझे क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ गया हमारे पास. कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 4 mg इक्विवेलेंट. ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाल लो. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो गया? नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. कितना? एन फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. एन फैक्टर HCl है ना, तो 1 हो जाएगा. इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड कितना हो गया? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ एसिड? मोलारिटी ऑफ एसिड शायद दिया गया है 1/50 मोलर HCl. 1/50 इंटू 400 ml बाय 1000, ये कितना आ जाएगा? 8 mg इक्विवेलेंट. समझे क्या? तो ये कितना हो गया? 4 mg इक्विवेलेंट. ये कितना हो गया? 8 mg इक्विवेलेंट. ठीक है, तो जो हमने रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन क्या लिखा है हमने? BaOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl, दिस विल गिव कितना? BaCl2 प्लस कितना? 2H2. नीट के लिए ये कितना हो गया? ये हो गया 4, ये हो गया 8. LR क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड LR है. ये 0 हो जाएगा. यहां से कितना यूज हो जाएगा? -4. कितना बचेगा? 4 बचेगा. 4 mg इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज लेफ्ट. कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बचा? 4 mg इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बच गया. समझे क्या? V फाइनल कितना है? वॉल्यूम ऑफ बेस प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसको सबको मिला दोगे कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा, मतलब कितना? 1 liters. ठीक है, सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कितना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सीरियसली अब तो हो गया ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू कितना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट, यस, विच इज इक्वल टू कितना? 4×10^-3. राइट, सो व्हाट इज द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लेफ्ट इन द मिक्सचर? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लेफ्ट इन द मिक्सचर इज कितना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस अपॉन कितना? वी फाइनल. कितना हो गया? 4×10^-3 अपॉन कितना? 1 liters है ना, तो दिस इज मोर देन 10^-6. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एच प्लस एन इन द सोल्यूशन. तो pH कितना हो जाएगा? -log(10) 4×10^-3. तो दिस विल बिकम कितना? 3 log(10) 4, विच बिकम सीधे सीधे 2.4. ठीक है, राइट, तो ये नीट में ऐसे सीधे सीधे कर सकते हैं हम लोग. राइट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं. मिसलेनियस में मिलेगा हमें. यहां पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार. देखो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है. ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. ये तो जो मेथड नीट के लिए लगेगा वही मेथड एडवांस के लिए भी लगेगा. इसमें कोई भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी सीधी सी बात है. इसमें इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो है सीधे सीधे बोला जा रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द
सीधे सीधे कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 9.9 ml ऑफ 1 मोलर NaOH. तो सॉल्यूशन विच कंटेन्स 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, समझे क्या, एंड 9.9 ml ऑफ 1 मोलर NaOH. तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बेस एसिड क्या है, HCl है, ठीक है, मोनो एसिडिक है, मोनो बेसिक एसिड है. सीधे सीधे n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है. इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया इसका, नॉर्मैलिटी कितना है, n फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू कितना वॉल्यूम, n फैक्टर कितना, n फैक्टर इसका 1 है, इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड कितना दिया गया, देखो 0.1 मोलर HCl दिया गया है, तो कितना हो गया 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 में, समझे क्या. सो कितना हो गया 100 ml दिया गया ना, दिस इज गिवन एज हाउ मच 100 बाय 1000, समझे क्या. सो दिस बिकम्स कितना 1 बाय 100, मतलब 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हो गया. देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl विच इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू कितना 0.01, ये समझे क्या. उसी तरह से वी हैव व्हाट, NaOH, NaOH इसका n फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है, राइट. तो हम लोग यहां पे इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, n फैक्टर कितना 1, NaOH का हमने मोलारिटी कितना लिया है 1 मोलर लिया, वॉल्यूम कितना लिया 9.9 ml लिया, ठीक है, ये कितना है 1 मोलर, ये कितना है 9.9 डिवाइडेड बाय कितना 1000, ठीक है. तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3. अच्छा, क्योंकि ये 10 पावर माइनस 3 के फॉर्म में है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कितना आया था, 0.01 आया था, मतलब कितना 10 की पावर माइनस 2 आया था ना, ये आया था 10 की पावर माइनस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 में लिख सकता हूं, समझे क्या, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 में लिख सकता हूं. और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस कितना हो गया, 9.9 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है. तो अभी रिएक्शन लिख देंगे हम लोग, क्या रिएक्शन हो जाएगा, HCl प्लस कितना NaOH, दोनों मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक है, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, क्या दे देगा NaCl प्लस कितना, ये क्या दे देगा, वाटर दे देगा, ठीक है. तो यहां से क्या हो जाएगा, HCl, ये कितना हो जाएगा HCl. तो सीधी बात, HCl का कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये कितना हो गया 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो ये LR है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, माइनस 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, बचेगा कितना 10 माइनस 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मतलब कितना 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दिस इज व्हाट HCl लेफ्ट, HCl लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl लेफ्ट, ठीक है. NaCl का कितना ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl फॉर्म कितना 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, तो यहां पे फाइनल सॉल्यूशन में क्या आ रहा है हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन के पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितना 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मतलब कितना 10 की पावर माइनस 4, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, समझे क्या. फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया,
फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया 100 ml और ये हो गया 9.9 ml, ठीक है। तो इसके हिसाब से वी फाइनल कितना हो गया, वी फाइनल हो गया 100 ml प्लस कितना 9.9 ml, कितना आ गया 109.9 ml, ठीक है राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लेफ्ट निकाल लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H प्लस लेफ्ट अपॉन कितना V फाइनल, समझे क्या। सो कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस लेफ्ट है, इट इज लेफ्ट एज 10^-4, 10^-4 ग्राम इक्विवेलेंट। V फाइनल कितना है 109.9 ml में इंटू कितना 1000, समझे क्या। तो ये कितना हो जाएगा 10^-4 इंटू 1000, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.1 अपॉन कितना 109.9, ठीक है। तो ये कितना हो गया अमाउंट ऑफ H प्लस विच इज लेफ्ट, कितना 0.1 डिवाइडेड बाय 109.9, 0.1 डिवाइडेड बाय 109.9, ठीक है। सो दिस एक्चुअली बिकम्स 9.099 इंटू 10^-4 विच इज मोर देन 10^-6, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विच इज लेफ्ट। तो फिर pH, H प्लस आयन इन द सोल्यूशन कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना H प्लस आयन इन द सोल्यूशन, क्योंकि दिस इज मोर देन कितना 10^-6, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा pH इज इक्वल टू कितना माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन इन द सोल्यूशन, मतलब कितना माइनस log टू द बेस 10 कितना 9.099 इंटू 10^-4, समझे क्या। तो एक तरह से 4 माइनस लॉग टू द बेस 9.099 को रफली कितना ले लें, रफली 9 ले लेते हैं ना, तो कितना हो गया, रफली 9 ले लेते, एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, मतलब 4 माइनस 2 लॉग टू द बेस 10 3, समझे क्या। तो कितना हो गया लॉग 3 कितना था 0.48 होता है, तो 4 माइनस 0.96, तो रफली एक आंसर आ जाएगा 3.04 के आसपास रहेगा आंसर, रफली अप्रोक्सीमेट 3.04 के आसपास आंसर अप्रोक्सीमेटली रहना चाहिए, समझे क्या। हाँ 3.04 के आसपास आंसर है इसका, ठीक है। तो विल स्टॉप यर, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके थोड़े और क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस की तरफ, ठीक है। विल स्टॉप यर, थैंक यू।